जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, आज से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बूंदाबांदी के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से बारिश हो रही है, हल्की सही, लेकिन हम आपको बता दें कि आज दिन भर ये बारिश रहने वाली है और साथ ही साथ हफ्ते भर का प्रेडिक्शन है। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख लीजिए, अभी हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे, जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि बारिश है, लेकिन कुछ एक लोग जो घूमने के लिए आए थे वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गेट धुंध में अभी ढक चुका है, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। और सड़क पे आप देखिए ट्रैफिक अभी भी है, हालांकि 50% की क्षमता के साथ ऑफिसेज खुल रहे हैं, इसके बावजूद ट्रैफिक की थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल रही है। आज का न्यूनतम तापमान अगर हम आपको बताएं तो 10.9 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, दर्ज किया गया, यानी कि कल से आज तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ठंड से कल से थोड़ी बहुत राहत आज लोगों को मिली है। साथ ही साथ हम आपको ये बता देते हैं कि कारण अभी तक मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश का है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और अगले 4 दिनों तक ऐसी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि लाइट टू मॉडरेट, यानी हल्की से लेकर के और ठीक ठाक बारिश तक आज राजधानी दिल्ली में हो सकती है और दिन भर ये बारिश रहेगी, यानी कि अगले कुछ दिनों हो सकता है बारिश लोगों को परेशान करे। अभी तक क्या तापमान पे इसका क्या असर पड़ेगा, मौसम विभाग के अनुसार बहुत ज्यादा तापमान पे इस बारिश का असर नहीं पड़ने वाला है, हालांकि प्रदूषण को लेकर के थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। ऐसे में बारिश लोगों को थोड़ा बहुत परेशान जरूर करे, लेकिन प्रदूषण से राहत मिलने की खुशी भी हो सकती है। कैमरा पर्सन अजीत तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।